हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज रोहन एंड वेलकम टू फटाफट कॉन्सेप्ट्स बाय टॉपर। प्यारे दोस्तों, आज आप जादू सीखने वाले हैं मैजिशियन रोहन से। बिल्कुल नहीं, हम जानते हैं कि जादूगर मोस्ट ऑफ द टाइम कांट से जादू दिखाते रहते हैं, पर वो कांट से जादू क्यों दिखाते हैं? या फिर कांट से कोई और काम किया जा सकता है? आज हम समझेंगे इस वीडियो में, जहां पर हम समझने की कोशिश करेंगे प्रोबेबिलिटी विथ कार्ड्स। तो गाइस, लेट्स गो अहेड और हम अपने दो बेस्ट फ्रेंड से मिलते हैं जो आज कुछ अतरंगी करने वाले हैं। लेट्स मीट आवर बेस्ट फ्रेंड्स नोबिता और डोरेमोन। गाइस, लेट्स चेक देम आउट। ये लोग क्या कर रहे हैं? सो दे आर एक्चुअली प्लानिंग कि वो कॉइन को टॉस करेंगे 10 बार और उसके बाद वो प्रेडिक्ट करेंगे कि मैच कौन जीतेगा जस्ट बेस्ड ऑन दैट कॉइन, है ना? काफी इंटरेस्टिंग है। पर जब हम कॉइन उछालते हैं तो हमारे दिमाग में होता है कि या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है, राइट? अगर हम कॉइन्स ज्यादा बार उछाल दें तो क्या उसकी प्रोबेबिलिटी यानी कि चांसेस हेड या टेल आने के बढ़ते या घटते हैं? ये सारे क्वेश्चंस अभी हम समझेंगे विथ प्रोबेबिलिटी। सो लेट्स गो अहेड गाइस। जब हम प्रोबेबिलिटी को समझते हैं तो हमें सबसे पहली चीज जो ध्यान रखनी है वो है कि प्रोबेबिलिटी आखिर है क्या। जब हम कहते हैं कि आज लगता है बारिश होगी तो हम एक्चुअली प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे होते हैं। जब हम कहते हैं बीच मैच में कि मैच शायद इंडिया जीत जाएगी तो फिर भी हम प्रोबेबिलिटी के बारे में ही बात कर रहे होते हैं। तो गाइस, जितने भी ये चांसेस, प्रोबेबली, मोस्ट लाइकली, जितना कुछ हम यूज करते हैं, एक्चुअली ये प्रोबेबिलिटी है। और जब हम इसको मैच के साथ मिलाते हैं तो बनता है थियोरी ऑफ प्रोबेबिलिटी, द मेजर ऑफ अनसर्टेनिटी। क्या होगा नहीं होगा उसकी मेजरमेंट। चलो गाइस, इससे आगे देखते हैं एक्चुअली प्रोबेबिलिटी मैच में आती कैसे है और उसका फॉर्मूला क्या होता है। जब हम मैच को फॉर्मूले में देखने की कोशिश करते हैं, इट्स एनी अपॉन एनएस। एनी क्या है? एनी इज द नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम एंड एनएस इज द नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। नहीं समझे गाइस? अगर मैंने कॉइन को उछाला और मैं चाहता हूं कि हेड आ जाए तो वो मेरा फेवरेबल आउटकम है। और कितने आउटकम ऐसे हो गए? सिर्फ एक। और टोटल क्या चांसेस हैं? हेड और टेल, यही दो चांसेस हैं। यानी कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हो गए 2, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड हो गया 1/2। वेरी वेरी सिंपल। अब हम समझते हैं थोड़ा बहुत कार्ड्स को। गाइस, जब हम कार्ड्स को देखते हैं तो हमारे पास मेजरली चार चीजें होती हैं, चार अलग अलग शेप्स होते हैं कार्ड में। पहला यानी कि स्पेड, वो ब्लैक कलर का होता है और स्पेड जैसा दिखता है। दूसरा है डायमंड, वो रेड होता है, डायमंड जैसा। तीसरा होता है क्लब्स, 3 ऐसे सर्कल्स क्लब किए हुए, ऐसे याद रख सकते हैं। चौथा है हार्ट, और हर इन कैटेगरीज के अंदर होते हैं 13 कार्ड, यानी कि टोटल डेक में होते हैं 52 कार्ड्स। अब हम देखते हैं ये सारे कार्ड्स। कार्ड की शुरुआत होती है ए से, फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, फिर जैक, क्वीन और किंग। हमारे हर एक डेक में यानी कि क्लब्स में ये 13 होंगे और स्पेड में 13 होंगे, फिर हार्ट में 13 होंगे और फाइनली डायमंड्स में भी ये 13 होंगे। गाइस, अगर हमें अब ये सोचना है, अगर हम थोड़ा सा कलर की तरफ ध्यान दें तो हम देखते हैं कि क्लब और स्पेड्स क्या होते हैं? ब्लैक होते हैं, और हार्ट और डायमंड क्या होते हैं? रेड होते हैं। यानी कि टोटल 52 कार्ड्स में से 26 कार्ड्स ब्लैक होते हैं और 26 कार्ड रेड होते हैं। अगर हमें इतना कुछ समझ में आ गया है, लेट्स गो अहेड और थोड़ा आगे देखते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चंस, अब ये 3 क्वेश्चंस करेंगे हम कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी डाइन एक लगी है जिसको फाइंड आउट करना है। प्रोबेबिलिटी एक रेड क्वीन की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? गाइस, हम वापस जाते हैं अपने इमेज में और देखते हैं कि हमारे पास कितनी क्वींस हैं। एक्चुअली हमारे पास है 1, 2, 3, 4 क्वींस। आउट ऑफ दैट कितनी क्वींस है गाइस? अगर हमारे पास 52 कार्ड्स, तो 52 कार्ड्स में से क्वींस कितनी है? रेड क्वींस, 2 रेड क्वींस हैं गाइस। तो 2 रेड क्वींस का मतलब हो गया द प्रोबेबिलिटी विल बी 2/52, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स जो हमें चाहिए एंड द टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इज 52। 52 अलग अलग कार्ड्स हो सकते हैं। अगर मैं इस डेक में से कार्ड निकालना शुरू करूं तो गाइस इसमें 52 कार्ड्स में से कोई भी कार्ड निकल सकता है, इसीलिए ड्रॉइंग अ रेड क्वीन इज वेरी सिंपल, 2/52। ड्रॉइंग अ किंग ऑफ स्पेड्स,
अब हम देखते हैं हमारे पास स्पेड्स कितने हैं। लेट्स गो अहेड गाइस। किंग ऑफ स्पेड टोटल में कितने सारे हैं, ध्यान से देखो। किंग ऑफ स्पेड यानी कि सिर्फ एक किंग गाइस। हमारे पास चार किंग होते हैं, किंग ऑफ क्लब, किंग ऑफ हार्ट, किंग ऑफ डायमंड एंड किंग ऑफ स्पेड। यानी कि किंग ऑफ स्पेड 52 कार्ड्स में सिर्फ एक है, यानी कि हमारा फेवरेबल आउटकम है एक, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 52, यानी कि 1/52। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, ड्रॉइंग अ रेड नंबर्ड कार्ड। अब ध्यान से देखिए गाइस, हमारे पास नंबर्ड कार्ड कितने हैं। नंबर्ड कार्ड है 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यानी कि 9 ऐसे कार्ड्स हैं रेड में, है ना, जो कि कलर्ड है। ध्यान से देखो, अब ऐसे ही 9 हार्ट में है और ऐसे ही 9 क्या है डायमंड्स में। तो टोटल नंबर ऑफ नंबर्ड रेड कार्ड हो गए 18। हम जैक क्वीन किंग और एस को नंबर्ड कार्ड में नहीं गिनते, यानी कि टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 18 और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो गए 52। सो गाइस, दैट वाज ऑल इन दिस लेसन। होप कि आप और भी कार्ड्स के प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे बेस्ड ऑन दिस नॉलेज। For more such फटाफट concepts, do like and subscribe our channel and also do not forget to join us on Telegram.